नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किलर सीरीज नाम के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो। ये वीडियो है स्पेशल रूम वीडियो, जो आज हम स्पेक्टेट करेंगे और हमारा मैच खिलाएंगे किलर विनय, किलर गौरव और नकुल एंड अमन ठाकुर राव के बीच में। दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज किया, तो हमारे मित्र होने की वजह से हमने इन दोनों का चारों का रूम खिलाया। तो देखते हैं ये कौन जीतेगा। दोनों चारों ही बहुत तगड़े प्लेयर हैं, तो देखते हैं क्या होता है। किलर विनय और अमन जीत पाते हैं या नकुल भाई और किलर गौरव जीत लेंगे मैच को। तो देखते हैं, मैच शुरू ही होने वाला है। और आपको बता दें, मैं शुरू होने से पहले कि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये शायद नए साल की आखिरी वीडियो होगी, और फिर अगले साल ही नहीं, मतलब नए साल पे ही वीडियो आएगी। तो This इस is a आखिरी वीडियो को simulation ज़्यादा से game ज़्यादा set in a शेयर virtual करें। world मैच and हो does चुका not है, represent real हम life. स्पेक्टेट कर रहे हैं किलर Please विनय play in को। moderation. Take frequent ये breaks देखिए नेट and घिसते play हुए, responsibly. ये देखिए डैमेज दिया थोड़ा सा। और ये देखिए किलर विनय अपनी पूरी कोशिश करते हुए क्या स्प्रे मारा है, और ये धराशायी कर दिया है बंदे को। एक एक पॉइंट दोनों टीम का, दोनों टीम ने ये आए दोनों तरफ से घेर लिया, और किलर विनय की ऐसी जैसी हो गई है। अब ये देखिए हम किलर गौरव को स्प्रे कर रहे हैं, और ये देखिए क्या तगड़ा स्प्रे मारा है, एग्जैक्ट स्प्रे। कुछ इनको डैमेज नहीं आई, फिर इन्होंने अमन अमन को पूरी तरह से पेल दिया, नोकआउट। ये देखिए स्कोर बोर्ड 1-3 के तरफ, किलर गौरव और नकुल पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए, दोनों एकदम टीम वर्क के साथ खेलते हुए। 2-3, जिसमें कि दो किलर गौरव के किल है और नकुल भाई का एक किल है, जबकि किलर विनय ही उधर से डैमेज किए जा रहा है। किलर विनय को एक तगड़े स्पोर्ट की ज़रूरत, पर जो उसे नहीं मिल पा रहा है। और ये देखिए टॉप व्यू से देखिए किलर गौरव, अच्छा अभी तक 3 किल सिर्फ किलर विनय के ही हैं, अमन ने अभी तक खाता नहीं खोला। तो ये देख सकते हैं किलर विनय फिर से एक बार विकेट गिराते हुए, परंतु कोई फायदा नहीं जब तक उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। 4 के 4 किल अभी तक भी नहीं गई है, क्या ये अब अमन अपना खाता खोल पाएंगे। देखिए देखिए कैसे बोट की तरह खेल रहे हैं अब, शायद नेट नहीं चल रहा इनका। ये पीछे से आ गए और पेल दिए गए हैं। किलर विनय को बहुत तगड़े सपोर्ट की जरूरत है, पर अभी तक 4 के 4 किल अभी तक अमन का खाता भी नहीं खुला। और ये दोनों तरफ से आए और दोनों ने एक अच्छे टीम वर्क के साथ पेल दिया, और शायद अब खाता खुल चुका है। देखते हैं अब क्या होगा। ये देखिए नकुल भाई ने फिर से किलर विनय को पेल दिया है। देखते हैं आगे मैच में क्या होगा। ये नेड खींचते हुए किलर विनय, इसने 69 ग्रेनेडियर भी कह सकते हैं, पर ये बड़ा बेड़ा कर। ये देखिए थोड़ी सी डैमेज निकाली, पर अमन की तरफ से अभी भी स्पोर्ट की जरूरत है। और ये देखिए क्या स्प्रे मारा है, और ये गए, ये आगे सामने से आए और ये स्प्रे मारा, पर रेडियस के कारण फंसे गए, और फिर भी मर गए, मार दिया अमन ने। अमन ने अपना दूसरा तीसरा खाता खोल लिया है। अब ये देखिए ग्रेनेड खींचते हुए, ग्रेनेड की भी नहीं, एक ही खिला है अभी तक इनका, पर सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और ये सामने से देखते हैं खिलने पाते हैं नहीं पाते, और ये मर चुके हैं बिल्कुल। पता नहीं इनका नेट नहीं चल रहा, क्या नहीं चल रहा, पर इनकी तरफ से हमारा भी नेट नहीं चल रहा है। पर अब देखते हैं दोबारा, नकुल भाई फुल टीपी पीपी लेके खड़े हैं आगे, और ये आगे से आ रहे हैं। डैमेज है अमन तो पूरा, अमन को लेने की कोशिश करेंगे, और ये ले लिया है अमन को तो। और आगे से विनय पूरा टीपी पीपी एंगल लेकर मारता हुआ, पर और ये डैमेज दिया, और ये विनय को भी लपेट दिया। और ये आप देखिए नकुल भाई को बिल्कुल भी बचाएगा, परंतु तो वो 2 किल निकाल चुके हैं। देखते रहिए, आगे बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं कौन जीत पाएगा। एक अच्छी लीड, 5 मिनट की लीड ले ली है, क्योंकि उधर से तो दोनों तरफ अच्छी टीम वर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु इधर से सिर्फ विनय ही है जो 1 मैन आर्मी की तरह लड़ रहा है। पर अब कब तक ऐसा कर पाएगा। 9 में से 8 किल किलर विनय के हैं, अमन अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे। गाइस बताओ, अमन कुछ कर पाएगा या नहीं, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ये पीछे से पड़ी नकुल भाई को, और ये देख लिया है टीपीपी लेके खड़े हैं, चारों जने टीपीपी लेके फुल एंगल में खड़े हैं। और ये किलर विनय ने फिर से ग्रेनेड की पिन खींची, क्या इस बार ये मार पाएंगे, और ये मार देंगे शायद। और ये डैमेज निकाला थोड़ा सा, पर आगे से आगे दे दिया उनको। देखते हैं क्या होता है आगे।
आपको क्या लगता है गाइस, क्या किलर विन है वन मैन आर्मी की तरह मैच निकाल पाएंगे? परंतु अभी मैच हाथ से छटकता हुआ, 6 किल के पास। ये देखिए कितना तगड़ा नेड मारा और धराशायी कर दिया एक प्लेयर को आगे से। ये देखिए देख लिया इनको आते हुए प्लेयर को, और ये अब यहाँ से आगे टीपी पी ले रहे हैं कि जैसे बंदा है हमारे, पर इन्होंने देख लिया अभी देखे, पर टीपी पी का शायद कोई फायदा हुआ नहीं। ये देखिए और मिल गया ये फ़ायदा, क्योंकि किलर को रोको रहा चले गए मर गए। और ये क्या स्प्रे मारा विनय ने, विनय एक लौते प्लेयर की तरह 11 किल के साथ बिल्कुल टॉप लीड लेते हुए। देखते हैं क्या किलर विनय फिर से अपना जादू दिखा पाएंगे। एक तरफ से तो देख सकते हैं आप स्कोर बोर्ड की 11-11, पर वहाँ पे जो फासला 3 या 4 पॉइंट का है वो पता चल रहा है कि सिर्फ एक प्लेयर की वजह से है, क्या ये जीत पाएंगे। अब क्या पॉइंट 5 पॉइंट की लीड हो चुकी है किलर विनय जहाँ तक है पूरी कोशिश करते हुए। अभी तक अमन के 2 ही पॉइंट है। अभी अब 69 ग्रेनेडियर बनने की कोशिश करते हुए क्या ये जीत पाएंगे मैच। अभी सिर्फ 5 पॉइंट की लीड है, लीड तो कभी निकाल सकते। और ये देखिए किलर विनय ने फिर से नेड खींचा और ये दे दिया। अब देखते हैं फटता है नहीं फटता बंदा। और ये देखिए फ्री फायर दिया, और ये फ्री फायर दिया आगे से, और ये नकुल भाई ने पेल दिया पूरी तरह से। 7 पॉइंट की लीड बढ़ती जा रही है। किलर गौरव भी M4 से ज़्यादा नेड से मैच हो रहे हैं, जो भी आ रहा है नेड दे नेड दे नेड कर रहा है। और ये देखिए पता चल चुका है बंदा कहाँ है। और ये नकुल भाई TPP फुल TPP लेते हुए ताकि, और ये ग्रेनेड मारा भी नहीं, और ये कुछ डैमेज हुई। ये देख सकते हैं फ़र्क कहाँ आ चुका है, 5 पॉइंट का फ़र्क था जो वो आ चुका है। 3 पॉइंट की लीड है, पर 5 पॉइंट का फ़र्क सिर्फ 2 प्लेयरों के बीच में है। अब लीड 6 पॉइंट की है, क्या किलर भी नहीं कुछ कर पाएंगे। और ये सामने से फिर से नेड की पिन खींची, और ये दिख चुका है बंदा नकुल भाई, दिख चुके हैं स्पॉटेड हैं। ये देखिए ग्रेनेड खींच दिया, अरे फुल ग्रेनेड खींचा और नेड थोड़ा सा गलत हो गया, और ये दे दी। ये नेड गलत हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही कुक हो गया था नेड, तो उसको डायरेक्शन नहीं दे पाए। 7 पॉइंट की लीड बढ़ती हुई, क्या किलर विनय फिर अपना जादू दिखा पाएंगे या किलर गौरव और नकुल भाई मैच जीत जाएंगे। नकुल भाई अब फुल फॉर्म में आते हुए, पहले किल कम थे पर अब लेते हुए। और ये विनय के 14 किल हो चुके हैं, सिर्फ 3 किल है अमन ठाकुर राव के। अभी मैं पर ये बता दूं कि सिर्फ अमन ही है इस पूरी चारों बंदों में शायद जो जायरो नहीं खेलते, जिसमें कि अमन और किलर विनय और किलर गौरव जायरो खेलते हैं, और नकुल भाई भी शायद नहीं खेलते हैं, पता नहीं, पर इसका कन्फर्म है ये जायरो नहीं खेलता, ये दोनों जायरो खेलते हैं। क्या आप ये ले आएंगे AWM शॉट लेते हुए? ये देखिए फिर से नेट हमारा चला गया है, नेट का बेड़ा गर्क अच्छी तरह हो रहा है, पर AWM चलाने की कोशिश में भी निपट गए। ज़्यादा हवा बंदे को नहीं दिखानी चाहिए, अगर AR के साथ मैच है तो AR ही खेलनी चाहिए। ये देखिए फिर से नेड खींचते हुए लीड बढ़ के, ये देखिए नेड ऐसे ही एंगल बन के पड़ा हुआ है, नेड नेट ही नहीं चल रहा हमारा नेट की, देखिए। और ये कहाँ नेड से खींचते खींचते बंदे पे आ गए हम। फिर से किलर विनय ने नेड खींचा है, उनको लग रहा है बंदा वहाँ है, फुली कुकड नेड, फिर से नेट चला गया। और फिर से ये देखिए नेट गया और आए तो 8 पॉइंट की लीड हो चुकी है। और ये इसको कम करते हुए देख सकते हैं आप स्कोर बोर्ड साफ पता चल रहा है, 20 में से 16 किल किलर विनय के। और ये देखिए अब थोड़ा सा हील करते हुए कि अपने आपको टाइम दे रहे हैं हील होने का। ये पीछे से आ गए, पर ये तो काम ख़राब हो गया, पीछे से आ गए, पीछे से कॉल आई नकुल भाई को कि वो TPP ले रहा है, तो पीछे से आ गए नकुल भाई ने पेल दिया। ये फिर से ग्रेनेड खींचा और ये शायद स्पॉटेड है, पर अब यहाँ पे कोई बंदा है नहीं, गलत स्पॉटेड था। तो अब पीछे से फिर पड़ी, अब ये देखते हैं, देख लिया इन्होंने, कोई ज़्यादा किल नहीं दे पा रहे, ये थोड़ी सी डैमेज निकाली फिर से और ये किल ले लिया है। ये मैच अंत की तरफ पहुंचता हुआ 9 पॉइंट की लीड के साथ, ये 9 पॉइंट फुल लो प्लेयर है आगे से, पर वो आ गए नकुल भाई आ गए हैं। तो अब ये हील करते हुए थोड़ा सा हील को टाइम देते हुए, मतलब हील करते हुए टाइम दे रहे हैं, और ये पता नहीं चला, और ये शायद किलर भी ने को पता नहीं चला और ये निपट गए, पर पीछे से आगे शायद उन्होंने किल ले लिया।
दिया ना। हाँ, 18 में से 4 किल सिर्फ अमन ठाकुर के। देखते हैं क्या हो पाएगा। अगर विनय को, मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर विनय को हल्का सा भी सपोर्ट मिलता अमन की तरफ से, 4-5 किल और अच्छे होते, या वो मरते कम, क्योंकि 4-5 किल अच्छे होते और वो मरते भी नहीं, तो यह मैच बराबरी का हो सकता था, क्योंकि दोनों तरफ दूसरी तरफ टीम बिल्कुल एक टीम की तरह खेलती हुई, टीम तो वैसे टीम की तरह खेली, पर यहाँ पर विनय को कुछ सपोर्ट नहीं मिलता हुआ। लीड बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 12 पॉइंट की लीड, और यह मैच में सिर्फ 1.5 मिनट बचा है, 1.5 मिनट नहीं, 30 सेकेंड बचे, थोड़ा सा देखने में हमसे गलती हो चुकी है। और ये देखते हैं ये मैच, अब पता परिणाम आप देख ही सकते हैं कि किलर विनय और अमन ठाकुर राव हार चुके हैं किलर गौरव और नकुल भाई से, और अभी भी फुल कोशिश करते हुए लीड को 10 से कम करते हुए, अभी भी 11 की लीड है। और ये मैच के आखिरी चंद सेकंड, अब ये देख ही सकते हैं, अगर किलर विनय 21 किल के साथ, इकलौते प्लेयर 21 किल के साथ, अब ये देख सकते हैं कि 25 किल नकुल भाई के, 11 किलर गौरव के, 21 किल किलर विनय के, और यहाँ पे जो फर्क दिख रहा है, जो अमन ठाकुर राव की वजह से दिख रहा है, 7 किल पर एक अच्छा मैच अच्छी टीम के साथ। अगर थोड़ा सा और सपोर्ट करते तो ये मैच कहीं और जा सकता था। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये साल की आखिरी वीडियो है और हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो धन्यवाद हमारे 500 सब्सक्राइबर्स को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट दबा दबा के, लाइक वाला बटन दबा के उसको तोड़ दो।